नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम गहिरे और अलिमन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, मतलब कि एक्चुअल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है। और आज की वीडियो में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स देखेंगे और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है और उसके कुछ हम आज की वीडियो में टाइप्स जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कुछ प्रेजेंटेशन बना के रखा है दोस्तों, उसके थ्रू हम देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि कंप्यूटर की बात यहाँ पर आती है तो हमें सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिस्टम के बारे में कुछ यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी दे देना चाहूंगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर होता है दोस्तों सिस्टम, मतलब कि सिस्टम डिवाइडेड, सिस्टम एक्चुअल में डिवाइड होता है दोस्तों टू पार्ट्स में, मतलब कि सिस्टम जो है दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ रहता है। जैसे कि फर्स्ट होता है सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है हार्डवेयर। ये दो टाइप आते हैं दोस्तों सिस्टम के, ठीक है। फर्स्ट होता है सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है हार्डवेयर। सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होना बहुत जरूरी है दोस्तों, इनके बिना दोनों सिस्टम अधूरा है, दोनों के बिना, ठीक है। तो सिस्टम दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट होता है सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है हार्डवेयर। तो चलिए सिस्टम के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि सिस्टम दो चीजों से चलता है दोस्तों, मैंने आपको बताया है, फर्स्ट है सॉफ्टवेयर और सेकंड है हार्डवेयर। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिना बहुत अधूरे है, ठीक है। और अगर हार्डवेयर नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर डालेंगे किसमें, या फिर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर एक खाली डिब्बा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सिस्टम में होना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसके बिना सिस्टम अधूरा है। इन दोनों चीजों पार्ट्स के बारे में, मतलब कि सॉफ्टवेयर के बिना भी और हार्डवेयर के बिना भी, ठीक है, दोनों के बिना सिस्टम बहुत अधूरा है। तो सिस्टम में सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है और उतना ही जरूरी है हार्डवेयर भी होना, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर में एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको अच्छे से बता देना चाहूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों, सॉफ्टवेयर मतलब एक कंप्यूटर की जान की तरह होता है। अगर किसी बॉडी में से जान निकल जाए तो वो बॉडी किसी काम की नहीं रहती है। ऐसे अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो, कंप्यूटर एक खाली डिब्बा सा है। मतलब के बताने का मतलब यही है कि हमारी जो बॉडी होती है दोस्तों, उसके अंदर हमारी रूह होती है। लेकिन अगर हमारी रूह निकल जाए हमारे बॉडी के अंदर से, तो हमारी बॉडी किसी भी काम की यहाँ पर नहीं रहती है। उसी तरीके से सेम चीज यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में होता है। मतलब कि जो हमारे हार्डवेयर है इस कंप्यूटर का, वो है कंप्यूटर की बॉडी, और जो सॉफ्टवेयर है वो है कंप्यूटर की रूम, ठीक है। तो बताने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर खाली डिब्बा सा है, या फिर कंप्यूटर में हार्डवेयर ना हो तो तभी कि कंप्यूटर एक खाली डिब्बा है। मतलब बताने का मतलब यही है कि दोनों चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन बात यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर की कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की जान की तरह है, मतलब कंप्यूटर की एक रूह की तरह है। बॉडी में सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, मतलब कंप्यूटर में रूह होना बहुत जरूरी है, उसके बिना कंप्यूटर एक खाली डिब्बा सा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम मुड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स, ओके, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जनरली टाइप्स जो होते हैं दोस्तों कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के, वो होते हैं थ्री टाइप्स के, मतलब कि थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट टाइप आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड टाइप आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड टाइप आता है उसका ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर आते हैं दोस्तों कंप्यूटर में। ये उसके सॉफ्टवेयर्स के कुछ टाइप्स है। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर आते हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, ठीक है। उसके कुछ टाइप्स, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, ओके। तो चलिए इन टाइप्स को, इन थ्री टाइप्स को हम कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं वन बाय वन। तो चलिए फर्स्ट टाइप हम देखते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिटेल में। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम दोस्तों मास्टर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जिसके बिना कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं डाला जा सकता है, या फिर जिसके बिना कोई दूसरा सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता है। इसलिए हम इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जैसे कि विंडोज XP हो गया, विंडोज 7 हो गया, या फिर विंडोज 8 हो गया, या फिर विंडोज 10 हो गया। जो भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसे हम मास्टर सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ओके, जो कि सारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। बताने का मतलब यही है दोस्तों कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करता है, या फिर सारे सिस्टम्स को ऑपरेट करता है, ठीक है, जो कि
जिसके बिना कोई हम दूसरा सॉफ्टवेयर भी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी मास्टर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं दोस्तों। तो आसान भाषा में अगर आपको याद रखना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं दोस्तों जो कि होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम सी, जैसे कि विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8 या फिर विंडोज 10 या फिर आने वाले वर्जन जो भी होंगे वो विंडोज के, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होंगे वो होते हैं हमारे मास्टर सॉफ्टवेयर, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही, ठीक है। तो चलिए सेकंड टाइम हम देख लेते हैं इन डिटेल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, क्या है सॉफ्टवेयर्स का टाइप ही सेकंड, ठीक है। तो जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स तो होता है दोस्तों सिस्टम के लिए होता है और सिस्टम के काम आता है, वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं दोस्तों वो हमारे काम के लिए होते हैं, ओके। तो सॉफ्टवेयर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना रन नहीं कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे कि MS Office, Adobe Photoshop या फिर Corel Draw, इन तरीके के नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों। MS Office या फिर Adobe Photoshop या फिर Corel Draw, इनके नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों। तो बताने का मतलब यही है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना रन नहीं कर सकते हैं और जिसे हम अपने तरीके से एक्सेस करते हैं, हमारे लिए एक्सेस करते हैं, और जिन सॉफ्टवेयर्स में हम हमारा वर्क करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे MS Office हो गया, जैसे कि MS Office भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्यों? क्योंकि इसमें हम हमारा वर्क करते हैं और सिस्टम में हम उसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये भी हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Adobe Photoshop में भी हम हमारा वर्क करते हैं और जो है हमने हमारे तरीके से एक्सेस करते हैं और हम जो है उसे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, इसलिए ये भी हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और Corel Draw में भी दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं हम, हमारे यूज के लिए करते हैं, हम यूज करते हैं उसे और हमारे तरीके से यूज करते हैं और जो है हम उसे इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, इसलिए उसे वो भी आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें जो है दोस्तों तीनों टाइप्स के सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया है जो हम डालते हैं सिस्टम में, जो सिस्टम्स जो है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो है दोस्तों सिस्टम के लिए काम आता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी जरूरत होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रन नहीं कर सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना। अगर मास्टर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालेंगे किसमें, ठीक है। तो ये मिथ है दोस्तों समझने का, अगर समझना चाहोगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे हम हमारे तरीके से एक्सेस करते हैं, हमारे यूज के लिए होते हैं वो और हम उसे इंस्टॉल करते हैं खुद होके, तो वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो चलिए थर्ड पॉइंट हम देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब विंडोज के लिए एक टूल्स बॉक्स है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और अगर उनमें कोई खराबी आ जाती है तो उनको ठीक करने के लिए विंडोज जो टूल्स हमें प्रोवाइड कराता है वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ओके। जैसे कि डिस्क डिफ्रैगमेंट, विंडोज क्लीनअप, ठीक है, इन तरीके के नाम्स आपने सुना ही होगा। तो इस तरीके के टूल्स जो हमें विंडोज प्रोवाइड कराता है वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। मतलब कि बताने का मतलब यही है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, दोनों टाइप्स के मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो है अगर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और बाई चांस अगर उनमें कोई खराबी आ जाती है तो उनको ठीक करने के लिए जो टूल्स हमें विंडोज प्रोवाइड कराता है दोस्तों वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको समझने का एक मिथ है दोस्तों, एक आसान भाषा में अगर मैं आपको समझा देना चाहूंगा, तो अगर आपकी बाइक खराब हो जाती है तो आप अगर कुछ प्लग वगैरह उसके चेक करते हो तो आप टूल बॉक्स निकालते हो और जो आप उसके जो है एक एक स्क्रू आप टूल से मतलब के स्क्रू ड्राइवर से निकालते हो, तो वो जो स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों वो है आपका विंडोज का टूल, ठीक है, जिससे के मदद से आप उस बाइक के स्क्रू निकालकर आप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है विंडोज जो हमें टूल्स प्रोवाइड कराता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खराब हो जाने के बाद में उनको ठीक करने के लिए, तो उन टूल्स को कहते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इन शॉर्ट इनको हम कुछ अच्छे तरीके से इन शॉर्ट में हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। जैसे कि फर्स्ट टाइप आता है सॉफ्टवेयर का सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है, जो कि होता है हमारी मास्टर सॉफ्टवेयर भी इसे हम कहते हैं, तो जो कि होते हैं हमारे विंडोज XP, विंडोज 8, विंडोज 10, जो भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी वो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सेकंड टाइप जो हमने देखा दोस्तों वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो होते हैं एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या फिर एमएस ऑफिस, जिसमें हम हमारे तरीके से वर्क करते हैं, हमारे काम के लिए यूज करते हैं और जिसे हम एक्सेस करते हैं हमारे तरीके से और जिसे हम इंस्टॉल करते हैं खुद होकर के सिस्टम में, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और थर्ड पॉइंट में जो भाई हमने देखा थर्ड टाइप, तो वो देखा हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों विंडोज का टूल है, मतलब कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ जाती है तो उनको ठीक करने के लिए जो टूल्स विंडोज हमें प्रोवाइड कराता है वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल डिस्क डिफ्रैगमेंट या फिर डिस्क क्लीन अप। ओके, डिस्क डिफ्रैगमेंट में बारे में भी हमने वीडियो बनाई थी दोस्तों, अगर आपको वीडियो आपने वॉच नहीं की होगी तो ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी वो वीडियो वॉच कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों व्हाट इज सॉफ्टवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर के टाइप्स। ठीक है, तो अगर आपको एक बार वीडियो देखने में समझ में नहीं आया होगा दोस्तों कुछ, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार वीडियो दोबारा पीछे जा करके देखिए, पूरी देखिए। ठीक है, तो आपके वीडियो दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक बार आप वीडियो सारी वॉच करोगे तो। ठीक है, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपके एक बार समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो दोबारा वॉच कीजिए, तो आपके सारे डाउट्स जो है दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।